कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो, सूरज की गर्मी को कोसने के बजाय एक छाता सर पे तान लिया करो, हर बात में कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों और महान विभूतियों को मैं ब्रह्मानंद प्रणाम करता हूँ। मैं विपक्ष में अपने मत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को नहीं बिगाड़ा है। मैं पूर्णतः स्पष्ट कर दूं, हमारे संस्कार ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को बेकार किया है। अगर सब्जी काटने वाली चक्कू से, पहले मैं जवाब दे दूं, अगर सब्जी काटने वाली चक्कू से किसी का नाक और गला काटा जाए तो गलती चक्कू की नहीं, हमारी और आपकी विकृत मानसिकता की है। हमें मानसिकता बदलना है। दूसरे पक्ष पर अगर मान लिया सोशल मीडिया में कुछ कमियां हैं, तो कमियां अगर पेड़ में काटे हैं तो काटे काटे जाए, पेड़ नहीं, क्योंकि आवश्यकता समाधान की है, सर्वनाश की नहीं। अब मैं पूर्णतः स्पष्ट कर दूं, सबने बहुत बताया सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया किसी व्याख्यान का मोहताज नहीं है। सबने बहुत बताया, सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग पहली बार 2004 में हुआ। ओमीडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया हमें उन आवश्यकताओं तक पहुंचाती है जिन्हें हमें जरूरत है। अब फिर से वही बात, हमारी आवश्यकताएं अगर अच्छी होंगी, हमारी सोच अगर अच्छी होगी, तो हम अच्छी जगह जाएंगे, यूट्यूब पर क्लासरूम सर्च करेंगे, नहीं तो फिर टिकटॉक पे जाएंगे। एक छोटी सी कहावत है, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हमको सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हमने सोच बदल लिया तो फिर सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी रहेगी। विलियम शेक्सपियर ने भी यही कहा, देयर इज नथिंग इदर गुड और बैड बट आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं सोशल मीडिया किस तरीके से संवाद की गुणवत्ता को अच्छा कर रहा है। हम यूपी वाले, हम तमिल भाषा नहीं जानते, एक तमिल का वो यूपी वाली भाषा नहीं जानता। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हम आसानी से बात कर सकते हैं। अब आप बताइए, सोशल मीडिया ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को अच्छा किया कि बेकार? अब हम पढ़े लिखे ना हो तो संवाद का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो विवाद ही होगा। क्योंकि सभ्य लोगों में संवाद होता है, मूर्खों में विवाद होता है, फिर वो विवाद होगा। दूसरे नंबर पर, एक फौजी पहले बॉर्डर पे ड्यूटी देता था, पिताजी की तरह ही हो जाती थी, पता नहीं चलता था, बाद में घर आता था। लेकिन आज करवा चौथ जैसे त्योहार बीबी बड़े आसानी से मनाती और कहती है, ठीक है आप ड्यूटी पर फोकस करिए, ऐसा लगता आप मेरे पास हैं। अब आप बताइए सोशल मीडिया कहां तक समाज गुणवत्ता को अच्छा कर रहा है? दूसरे नंबर पर, सोशल मीडिया लोगों ने कहा समाज गुणवत्ता को बहुत बेकार कर रहा है। अरे, हमारे संस्कार बेकार हो रहे हैं। पहले हम अपने टीचरों के सामने बैठते नहीं थे, आज बच्चे टीचर के बगल में बैठ के फोन में दिखाया करते हैं, पढ़ाया करते हैं। ये गलत है। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अपना थिंकिंग बदलना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजर ना बदल सके ठीक, लेकिन हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हमको आवश्यकता है सोशल मीडिया में क्या क्या कमियां, उसको दूर करना है। बार बार वही बात आएगी, हमारी सोच जितनी अच्छी होगी हम उतनी अच्छी जगह जाएंगे। एक बच्चा गांव का है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यूट्यूब के जरिए फ्री में पा लेता है, 600 रुपए में 3 महीने नेट पैक करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख लिया, प्रैक्टिस किया, इंग्लिश बोलनी आ गई, अब बोल रहा है। अब ये संवाद की गुणवत्ता अच्छी हो रही है। और अगर हमारे पास ऐसे थिंकिंग नहीं है, हमारी सोच बेकार है, तो हम टिकटॉक करेंगे, फिर हम फेसबुक पे लोग लाइक कमेंट करेंगे, बस इसी में जिंदगी सत्यानाश। कुछ नहीं है। अंत में जाते जाते एक चीज कह दूं, एक कहावत कही चाणक्य ने, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और गाली के शब्दों में दो पंक्तियां पढ़ने के बाद विराम दूंगा, समय की कमी है, कि उम्र भर गालिब गलती यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा।